हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चीज लिंक्स। बहुत ही सुपर्ब नाश्ता आपके दिवाली के लिए। ये नाश्ता फिक्स लिस्ट में रखना, 20-25 मिनट में बहुत सारा क्वांटिटी में बन जाएगा। एंड चीज लिंक्स हम सिर्फ एक ही फ्लेवर में नहीं, तीन फ्लेवर में बनाएंगे। पहला वाला नॉर्मल चीज लिंक्स जो हम बाहर से लाते हैं, सेकेंड डबल चीज लिंक्स एंड थर्ड विल बी पेरी पेरी चीज लिंक्स। मेरे घर पे तीनों फ्लेवर सुपर हिट है, तो आपने भी ये का पक्का ट्राई करना चाहिए। वेलकम टू साइलीज किचनेट। जो फ्लेवर्स मैंने चूज किए हैं, अगर आपको वो बाय करने हो तो मेरे अमेजोन स्टोर फ्रंट के लिंक पे जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया हुआ है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कप मैदा ले रहे हैं एंड इसको मैदे के छन्नी से हम छान के लेंगे। ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसमें अगर ज़रा सा भी डर्ट रहेगा वो निकल जाएगा, या फिर जो मैदा जम गया है वो भी हट जाएगा। तो इसके बाद अब हम चीज सॉस बना के लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3-4 टेबलस्पून मिल्क लिया है। इसको एक बॉईल आ जाने देंगे एंड उसके बाद जो दो चीज स्लाइस मैंने लिए थे वो इसमें ऐड कर देंगे टुकड़े करके। अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्यूब्स, जो प्रोसेस्ड चीज आता है, वो भी ग्रेट करके डाल सकते हो। एंड इनको हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक चीज दूध में मेल्ट नहीं हो जाता है। इसे कंटिन्यूसली स्टर करना ज़रूरी है, नहीं तो चीज़ बॉटम में चिपक जाएगा। एंड अगर ज़रूरत पड़ा तो थोड़ा सा मिल्क आप और ऐड कर सकते हो। ये मेरा चीज़ सॉस रेडी है। देखो, क्रीमी भी बन चुका है एंड सारा चीज़ मेल्ट भी हो चुका है। अब हम मैदा लेंगे एंड स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। बस ये ध्यान देना है कि चीज़ में भी नमक रहता है। एंड एक पिंच बेकिंग सोडा। एंड जो चीज सॉस हमने बनाया था वो हम मैदे में ऐड कर देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे भी चीज ग्रेट करके डाल सकते हो, अगर आपको एक्स्ट्रा फ्लेवर चीज का पसंद हो तो। एंड अब इसका हम एक सेमी सॉफ्ट डो बना के लेते हैं। बहुत सॉफ्ट भी नहीं चाहिए, बहुत हार्ड भी नहीं चाहिए, नहीं तो आपको बेलने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो चीज सॉस हमने बनाया था वो छोड़ के हमें थोड़ा मिल्क और ज्यादा लगेगा, तो टोटल में 3/4 कप मिल्क लगता है। ओरिजिनली ये जो रेसिपी है वो ईस्ट के साथ बनता है, जैसे हम पिज्जा के लिए ईस्ट डाल के डो राइस करके लेते हैं वैसे ही, बट मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ रही है। आई फील उतने ही अच्छे चीज लिंक्स घर पे बन जाते हैं विदाउट ईस्ट। आप चाहो तो ईस्ट डाल के इसको राइस करके ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे डो एक 5 मिनट के लिए अच्छे से नीड करके लिया एंड उसके बाद थोड़ा सा ही ऑयल लेके इसको वापस एक बार नीड करके लिया है। ये तुरंत ड्राई हो सकता है, तो एक वेट क्लॉथ से इसे हम कवर करके रख देंगे एक 15 मिनट के लिए। एंड अब इसे फटाफट बेल के लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ मैदा एंड उसको अच्छे से डस्ट करके ले रही हूँ ताकि हमारा डो जो है वो चिपके ना। एंड एक बड़ा वाला बॉल हम बना के लेते हैं। ये देखो, अच्छा खासा स्ट्रेच आ चुका है हमारे डो को। इसका एक बड़ा वाला बॉल बना के उसे थोड़ा फ्लैट करके लेते हैं एंड इसे अच्छे से बेल के लेना है। इसका थिकनेस का ध्यान देना जरूरी है, अगर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा तो चीज़ लिंक्स फूलेंगे नहीं एंड अगर बहुत ज़्यादा जाड़ा रह जाता है तो चीज़ लिंक्स सॉफ्ट रह जाएंगे, अच्छे से क्रिस्पी नहीं बनेंगे। सो यहाँ पे मेरा जो थिकनेस है वो चेक कर लो। इसे यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप कट करके लेना, छोटा छोटा कट किया हुआ ज़्यादा अच्छा रहेगा। हल्का सा अनइवन भी हो सकता है, अगर आप चाहो तो किचन स्केल यूज कर सकते हो इसके लिए।
तो प्रॉपर 1 cm by 1 cm के स्क्वायर्स आपको मिल जाएंगे। ये सारे स्क्वायर्स अब रेडी है एंड अब इसे हमें डीप फ्राई करके, यहाँ पे तेल गरम हो चुका है एंड इसमें मैं ऐड कर रही हूँ स्क्वायर्स। हमें एक ध्यान देना है कि हमें इसे धीमी आंच पे ही तलना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए एंड अंदर से सॉफ्ट ना रहे। एंड इसे थोड़ा सा गोल्डन कलर आते से ही हम हटा देंगे। And meet my new kitchen partner, that is my Alexa. Alexa, next song. If you want this amazing, super cool kitchen partner, you can buy that from my Amazon storefront. Very normal, fully puffed cheeselings ready hai. एंड अब हम बनाएंगे डबल चीज लिंक्स। तो इसे हमने जैसे ही फ्राई किया है वैसे ही हमें इस पे चीज पाउडर डालना है। तो जैसे ही इसमें थोड़ा सा ऑयल रहेगा वो चीज पाउडर को अच्छे से स्टिक कर देगा चीज लिंक्स पे। तो ये स्टेप ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप चाहो वो फ्लेवर में बना सकते हो। अब हम सेकेंड फ्लेवर इस पे पेरी पेरी पाउडर डाल के बनाएंगे। ये भी बहुत डिलीशियस बनता है। एंड अगर आपके पास पेरी पेरी पाउडर नहीं है अवेलेबल तो आप इस पे मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, हल्का सा नमक डाल के इसे टॉस कर सकते हो। मैंने पेरी पेरी के साथ थोड़ा सा चीज पाउडर भी डाल दिया, और ज़्यादा अच्छा टेस्ट देता है। ये बन गए हमारे 3 flavors ऑफ चीज लिंक्स तैयार। बस ये ध्यान देना है कि ऑयल थोड़ा थोड़ा सा रहना चाहिए, उसे पूरा हम किचन टॉवल पे नहीं निकालेंगे। तो आप जो चाहिए वो फ्लेवर इसे दे सकते हो। जो डबल चीज के लिए हमने चीज पाउडर यूज किया है वो वही यूज किया है जो मैंने मेरे चीज पॉपकॉर्न में यूज किया था। एंड वो वीडियो मेरा काफी हिट जा चुका है एंड बहुत लोगों ने मुझे पूछा भी है कि चीज पाउडर कैसे बनाए। फ्रैंकली स्पीकिंग, मार्केट से लाया हुआ चीज पाउडर रहता है वो प्रोसेस्ड रहता है, एक ड्रायर मशीन में चेदार चीज ड्राई किया जाता है एंड उसमें मैदा और कुछ स्पाइसेस ऐड करके एक पाउडर बनाया जाता है। तो घर पे बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आप कोई भी मेथड से ट्राई करने जाओ चीज बर्न होने के चांसेस बहुत हाई है। एंड अगर आपके आसपास के मार्केट में चीज पाउडर नहीं मिलता है तो बाय इट फ्रॉम माय अमेज़न स्टोर फ्रंट लिंक, तो आपको इजीली मिल भी जाएगा एंड परफेक्ट टेस्ट भी उसमें पक्का से मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग साइलीज़ किचन इट सो मच एंड वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो, really means a lot to me and my team. इस बार दिवाली का नाश्ता हम फटाफट और easy वाले बनाएंगे। Be connected. Happy cooking to you all. See you. Bye bye.